हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। मैं हूं अर्जुन हेब्रम और आप सब देख रहे हैं एडवेंचर विद अर्जुन। और इस बार का जो अपना वीडियो है वो है केदारनाथ धाम को लेके, जो कि मैं इस वक्त ऑलरेडी ट्रैकिंग कर रहा हूं। और साथ ही में मैं आपको इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दूंगा कि यहां तक पहुंचना कैसा है और यहां पे क्या क्या उपलब्ध है, या फिर बाकी सारी जो भी जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शेयर जीप या फिर बस वगैरह मिलेगी, तो वहां से आप इजीली पकड़ के आ सकते हैं सोनप्रयाग तक। जैसे आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आते हैं तो सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको 7 या 8 घंटा कुछ लगता है बस में या फिर फोर व्हीलर में। उसके बाद वहां पे आपको 1 नाइट स्टे करना होगा। वहां से फिर आपको जितना जल्दी हो सके आपको मॉर्निंग में निकलना होगा गौरीकुंड के लिए, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक का है। फिर वहाँ से आपका असली ट्रैकिंग स्टार्ट होता है केदारनाथ धाम के लिए। चाहे तो आप पैदल से भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप घोड़ा वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर हेलीपैड से भी जा सकते हैं। हेलीपैड आपको फाटा से उससे पहले ही आपको मिल जाएगा, फाटा वगैरह कुछ नाम है सोनप्रयाग से पहले ही, वहाँ से आप ईजिली जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे घोड़े हैं। अगर आप घोड़े से आते हैं तो फिर आपको यहीं तक ही पहुँचाएगा, उससे 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा मंदिर तक। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रोड साइड में आपको कैंप वगैरह भी मिलेगा। अगर आप चाहे तो कैंप पे भी स्टे कर सकते हो। यहाँ का प्राइस अकॉर्डिंग अभी 500 कुछ है, वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग होता है। और यहाँ पे आपको आप चाहे तो यहाँ भी रह सकते हो। Go, go, go.
आरती देखने के बाद लोकल सीन भी कर सकते हो। लोकल सीन करते करते आप रूम को भी पता लगा सकते हो, जो कि आपको 4 से 4.5 हज़ार में आपको इजीली मिल जाएगा पर नाइट के लिए रूम। यहाँ पे खाने के लिए होटल आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे और यहाँ का जो प्राइस है हर जगह होटल सेम ही प्राइस है। जहाँ भी जाएंगे सेम, अगर वही चीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो सेम ही प्राइस होगा। और चाहे तो आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं या फिर इसी यहाँ पैक करवा के आप रूम पे भी लेके जाके खा सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको पूजा करने के लिए जल्दी उठना होगा। आप जितना जल्दी लाइन पे लगे रहेंगे उतना जल्दी आपका पूजा होगा, क्योंकि सुबह आपका 5:30 बजे तक मंदिर का द्वार खुल जाता है, उसके बाद ही इन सबको एंट्री मिलना होता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे लोग 3 से 3:30 बजे से ही लगे रहते हैं लाइन पे।